अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। कंपनी में चोरी की वारदात हुई थी, उसमें कोई चोर भी पकड़ा है, कबाड़ी भी पकड़ा है, क्या कुछ पूरा मामला था और कहाँ की घटना थी? सही है, 26 जनवरी 2024 को फरियादी मुकेश कवरानी के द्वारा थाने पर शिकायत की गई थी कि इंडस्ट्रियल एरिया क्रमांक 1 के भीतर उनकी मार्बल की इंडस्ट्री है, जहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी और उस कंस्ट्रक्शन के दौरान जो लगने वाले लोहे के एंगल, जाली और फाटक हैं वो मजदूरों के द्वारा शाम को काम बंद करने के दौरान वहाँ पर रखे गए थे। किसी अज्ञात चोर ने वहाँ पर वो एंगल, जाली, फाटक और वहाँ से चोरी करके हटा दिए थे। रिपोर्ट की गई थी जिस पर से धारा 457-380 IPC का एक अपराध दर्ज करके विवेचना की गई। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि करीब 5-6 लोगों की एक गैंग है, जिसका मुख्य जो सरगना है वो एक कबाड़ी रवि जोशी नाम का, जो कि AB रोड पर जिसकी कबाड़े की दुकान है, वो अपने साथ 4-5 आदमियों को वहाँ लेकर के गया था, जिनके द्वारा वहाँ बोरियों में भर करके मोटरसाइकिलों से और कबाड़ की दुकान तक कई किस्तों में रात में चोरी की गई थी। सूचना पर जब उनको पकड़ करके पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरा चोरी का खुलासा कर दिया और उन्होंने जो लोहे के जाली, फाटक और एंगल वगैरह हैं बरामद करा दिए हैं। 3 आरोपी अभी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, एक नाबालिग है रवि जोशी के अलावा, एक अन्य जो आरोपी गिरफ्तार हुआ उसका नाम लाला और मोहम्मद निवासी रसूलपुर है, शेष 3 आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। सर क्या इनसे पूछता है, पूर्व में भी कुछ अपराध करना ऐसा पाया गया सर? रवि के बारे में पहले से भी एक चोरी का माल खरीदने का प्रकरण इसी थाने पर दर्ज है और ऐसी शोहरत है उसकी कि लगातार वो जो ऐसे भंगार चोरी या कबाड़ स्क्रैप चोरी करने वाले लोगों की टीम बना करके रखता है और रात्रि में जब कंपनियों के गार्ड वगैरह नहीं रहते, जिन कंपनियों खाली पड़ी कंपनियों में चोरी करवाते हैं।